नमस्कार अर्गस ग्राउंड जीरो सहित मो पूर्व ग्राउंड जीरो आज टॉपिक रही बार विधायक वर्तमान डेमोक्लिस खड़गरे छंदी हो पड़ते आईनगत जाल में छंदी होती से पद पदवी को नहीं बद सृष्टि लाभजनक पदर या विधायकों मुंडे झुलुची डेमोक्लिस खंडा बार विधायक होती अनंत दास देवेश आचार्य बेमकेश राय प्रशांत जगदेव प्रशांत मुदुली शारदा नायक प्रमोद मल्लिक प्रमुख कहुच विधायक या सहित से लाभजनक पदवी में से आईन रड़ुआ जाल में छंदी हो पारती खासकर कोर्टे एने नवेम्बर 8 रे एने निष्पत्ति ने राज्यपाल कहते हाइकोर्ट बार विधायक लाभजनक पदवी में या नहीं हाइकोर्ट में मामला होता आ हाइकोर्ट नवेम्बर 8 मध्य एने निष्पत्ति ने राज्यपाल कहते राज्यपाल एने कौन निष्पत्ति ने बार विधायकों चिंता बढ़ी से विरोध में किसी कार्यानुष्ठानियाजी कि कारण पूर्व नजर रही 2006 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभजनक पदवी में थार मामलें छंदी हो समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद जया बच्चन अड़ुआ पड़ते एपरिक इस्तफा से 2019 दिल्ली में भी 20 विधायकों सभ्य पद रद्द नहीं बद बढ़ी तेज ओडार 12 विधायकों भविष्य कौन है खासकर हाइकोर्ट में मामला हाँ आ नवेम्बर 8 मध्य राज्यपाल को एने निष्पत्ति ने हाइकोर्ट निर्देश देवापर ए 12 विधायकों भाग्य कौन है वर्तमान समस्त नजर रही बढ़ला 12 विधायकों अड़ुआ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विवाद रे छंदी होइथिबा ए हेउछंती सही 12 विधायक अनंत दास देवेश आचार्य बेमकेश राय प्रशांत मुदुली प्रशांत जगदेव शारदा नायक प्रमोद मल्लिक सह ए 12 विधायकों सरकार देइछंती राष्ट्रमंत्री पाहार मान्यता एमान अछंती जिला योजना कमिटी अध्यक्ष विधायक पदर थाई अन्य लाभजनक पदर रही पारे ना बोली विरोध में हाइकोर्ट में मामला कर आईनजीवी समरेन्द्र बेउरा मामलार शुणाणी कर हाइकोर्ट एने नवेम्बर 8 भितर निष्पत्ति ने राज्यपाल कहते मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधरन और जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्राही को नहीं गठित खंडपीठ समरेन्द्र बेउरा आवेदन शुणाणी कर एपरी निर्देश देते अपॉइंटमेंट देला बेले से मिनिस्टर रैंक एंड स्टेटस दे देले तो जदि मिनिस्टर रैंक एंड स्टेटस देले से अनुसार तांकर घर गाड़ी अलाउंसेस अदर अलाउंसेस सब मिनिस्टर रैंक एंड स्टेटस रु पळे आसीला आउ आपण जदि आउ थरे पछकु फेरिकी आर्टिकल 164(1)(a) कु जिबे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रो स्ट्रेंथटा सबुबेले 15% हबा कथा एटा कॉन्स्टिट्यूशन रे लेखा अछि तो 15% ऑफ 147 इज 22 तो 22 जन मंत्री अधिक मंत्री हवा कथा नुहे विधायक मान लाभजनक पदवी में रही थी संविधान धारा 191 ए क अनुसार से सभ्य पद रद्द होगा उचित दर्शाई 2019 मे 21 राज्यपाल निकट लिखित आवेदन दाखल करते समरेन्द्र बेउरा 2019 अगस्त 9 30 जिलार योजना कमिटर अध्यक्ष को नियुक्ति देते राज्य सरकार यही पदवी में केतजन विधायक निजुक्ति दिया जाइथिला एभली पदरे निजुक्ति पाइथिबा विधायकों को राष्ट्रमंत्री पाहार सुविधा मिलिथिला 2016 मार्च 17 सरकार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट रे संशोधन आनी किछि क्लॉज जोड़ीथिले सही अनुसार विधायक माने जिला योजना कमिटी पश्चिम ओडिशा विकास परिषद और राज्य योजना बोर्ड सदस्य भाव रही पारे उल्लेख था तेज 1961 मसीहार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मूल आईन टी संशोधन हो न तबे विधायकों के पाई अड़ुआ बढ़ी पारे बोली चर्चा है जो मैंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे अछंती से मान को विधायक पद रहिबो नाही तो कथा हो से जो कार्यटी करिछंती एटी विधायक माने प्लानिंग बोर्ड रो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड रो चेयरमैन हबा द्वारा से माने कौन जदि किछि प्रॉफिट पाई थांती ताले विधायक पद तंकर चली जीवो कथा हो छि एटा राज्यपाल कागज पत्र देखि निष्पत्ति नै पाई थांती किंतु राज्यपाल न करी कि निर्वाचन कमिशन पाखकु पठाई दैछंती पूर्व 2006 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विवाद रे छंदी होई समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद जया बच्चन अड़ुआ पड़ते विवाद रे छंदी होई से इस्तफा 2019 दिल्ली में भी 20 विधायकों सभ्य पद रद्द नहीं बद बढ़ी तेरे ओडिशार 12 विधायकों क्षेत्र में राज्यपाल कि निष्पत्ति नौकर समस्त नजर बांकेरु कानूचरण बेहरा भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांति रिपोर्ट अर्गस न्यूज एने आलोचना को आगे बढ़ेगा आम सहित अच्छे प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू आम कि समय पर आम सहित सामिल है
जी आवेदन करी आवेदनकारी समरेन्द्र बेउरा वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित अक्षय साहु अच्छा सुक्त साहु आपंठ आरंभ करने को चाहिए प्रकृति में ए बार विधायकों पर कौन अड़ुआ हो पाए एक्सट्रीम पर्यंत कौन कार्यानुष्ठान पारे जदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ए मामला जहाँ कि राज्यपाल कोर्ट में वर्तमान अच्छा राज्यपाल से कोर्ट को निर्वाचन कमिशन कोर्ट को छाड़ बल वर्तमान से विकेट नहीं पारे कि कौन अड़ुआ बढ़ी पारे ए बार विधायकों जहाँ आम देखीचे ये स्थित आसे बर्तमान ये गोटे लंबा आपणकर लीगल प्रोसेस चलो बर्तमान जमी आप हाइकोर्ट को हाइकोर्ट आपत सूचना रखिले राज्यपाल कोर्ट को छाड़ राज्यपाल इलेक्शन कमिशन को एक जन तो यू एमने जो पिकुनियरी जो बेनिफिट्स पाई आर्थिक जो बेनिफिट्स पाई से बर्तमान राज्यपाल जी हृदबोध करेंगे इलेक्शन कमिशन जी हृदबोध करेंगे हाँ एमने आर्थिक लाभ पाई जो विभिन्न प्रकार जमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक रही जो सैलरी अन्यान जो आर्थिक सुविधा पाई गाड़ी घोड़ा गाड़ी घोड़ा बाबद रिइम्बर्स होता है तेल इत्यादि जो रिइम्बर्स होता है विभिन्न अंचल को जाती यदि से लाभ से पाई निश्चित भाव में ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एक्ट अनुसार दे विल बी लायबल टू डिस्क्वालिफिकेशन किंतु जेहेतु राज्य सरकार एक नियुक्ति राज्य सरकार नियुक्ति यही आपण विभिन्न पदरे अभिषिक्त करने आपणकर 2016 मसीह राज्य सरकार जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एक्ट अच्छी गोटे से गोटे संशोधन आनी एवं ओडिशा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट एक्ट आनी 2016 रे सेठी व्यवस्था करथिले जे जो माने एमएलएज माने अछंती से एमएलएज मानको तांकर चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज रे करि हबो ए कथा से व्यवस्था सेतबेले से करचंती कारण से माने राज्य सरकार जानचंती आ भविष्यत रे एबेले अड़ुआ परिस्थिति आसी पारे एवं ए अड़ुआ परिस्थिति रे किबेले मुकुली हबो से शीघ्र हो कि विलंब रहो ये गोटे व्यवस्था टी 2016 मसिया रे कर दैछंती ताले व्यवस्था अछि एमान को पई जहा सेतिक अड़ुआ नाही जेतिक अड़ुआ हवा कथा नहीं अड़ुआ अड़ुआ रही किंतु से अड़ुआ टा संपूर्ण अड़ुआ न हो जदि आपणकर देखि आमे जेतबे देखिछे एमएलए माने जेतबे निर्वाचित हेकि आसंती कोनसे प्रकार तांकर विरुद्ध रे जदि केस टे हुए से तांकर केस टी विचार सरिया सरिला बेलकु से तांकर से कार्यकाल भी टेन्योर टा सरि जायते आराम से तांकर कार्य करितांती समस्त फायदा पैथांती वर्तमान जहां भी आपणकर लीगल हर्डल्स आसीबो से आपणकर भाया राज्यपाल ऑफिस आसो भाया इलेक्शन कमिशनर आसो किंबा भाया कोर्ट आसो बर्तमान ता भीतर लंबा आपणकर ए जो प्रक्रियाटा प्रलंबित होबार बहुत संभावना रही कारण राज्य सरकार गोटे आम जमी देखिले से आईन गोटे से जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एक्ट गोटे संशोधन आनी संशोधन एक्ट तैयारी कर किसी गोटे पाइबे किसी कोर्ट राइडर्स रखी थे गोटे एमएलए मान मानने द्वितीय देखिए राज्य सरकार एडवोकेट जनरल रही करेंगे निश्चित भाव में ही विल कंटेस्ट जहां भी आपंकर राज्य सरकार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट रे संशोधन आनी किसी क्लज जोड़ी किंतु प्रश्न यह मध्य हो 1961 मसीह जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मूल आईन टी रही एपर्यंत संशोधन होना तो क्योंकि ना क्योंकि राज्य सरकार आईन अड़ुआ जाल रे विधायक छंदी हो जीवन तो 2016 रे केवल संशोधन करा जाय छी क्लॉज जोड़ी छंती किंतु 1961 रे जो मूल आईन रही छी सेथरे कोनोसी संशोधन करा जाय नाही नाही जेतबेले कोर्ट ऑफ लॉ रे विचार हबो से गुटा को कोर्ट व्हिच विल प्रिवेल व्हेदर दैट 1961 एक्ट विल प्रिवेल और एटा को आपनकर अमेंडेड एक्ट विल प्रिवेल सेटा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ कहीं गोटे कथा सामना को आसला जो भाई भाव में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया चलती जो स्वागत करियर कट स्पष्ट भाव में दर्शक कहे कौन अप्लाई करते कौन आवेदन करते आधार आवेदन कर
नमस्कार आज्ञा देख 2016 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विषय जब आसला ओडिशा गवर्नमेंट रे कि एमएलए माने डीपीसी हो वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल हो किंबा जिला राज्य योजना बोर्ड अध्यक्ष पद हो ए सब पद रे जब एमएलए मानंकु बसेबा कथा आसला सेते बेले ऑलरेडी रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट रे अमेंडमेंट करिके प्रिंसिपल एक्ट रे अमेंडमेंट करा है कि से सब जिनस मानते एमएलए मैंने हेड डीपीसी चेयरपर्सन पदटा बोली तो सेटा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रो अंबिट रो से माने बाहर कर वेरी क्लियर ताऊपर किसी डिस्कशन नहीं जोड़ा राज्य सरकार बारंबार से जगह रे हिट करू छथि जे आमे ऑलरेडी अमेंड कर दे छु ठीक अछि आपन अमेंड कर दे छथि किंतु जते बेले अपॉइंटमेंट दिया जाय छै म अमेंडमेंट कथा कहुनी जते बेले अपॉइंटमेंट दिया गला जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष पद हो वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल हो किंबा आपन स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल हो किंबा अन्य जे कोनोसी पद रे जहारे जे कोनोसी पद रे जोटी एमएलए मानन को अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट दिया गला से अपॉइंटमेंट बेले से मानन को मिनिस्टर रैंक एंड स्टेटस दिया गला अच्छा तो ए मिनिस्टर रैंक एंड स्टेटस रे क्वेश्चन डा अछि मिनिस्टर रैंक एंड स्टेटस अनुसारे तांको समस्त सुख सुविधा मिलिला अच्छा माने क्लियर हे गला डीपीसी चेयरपर्सन अनुसार जो जिन न मिल पारिथांता सेटा जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष पद रे जोडा न मिल पारिथांता सेटा मंत्री पाहारो मिली वाला गाड़ी हो घर हो अर्थात आपण जो मामला आवेदन करिसेंती ता सहित 2016 मार्च 17 राज्य सरकार जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट रे संशोधन आनिसेंती ता सहित तार कोनसी लेनदेन नाही आपण आवेदन करिसेंती नाही सेति पई आज्ञा सेति पई हमकु पछरे जाईतिला माननीय उच्च न्यायालय रे माने हियरिंग बेले पछरे देले कि आपण से एक्ट को चैलेंज करबाकु चाहौं छेंती ना नाही तो एक्ट हमरो सेंती आस चैलेंज करिवार किछि दरकार ही नाही कारण एक्ट ठीक 2016 मार्च 17 राज्य सरकार जो संशोधन करथिले जो क्लॉज जोडीथिले से आइन रे ताहार आधार करी राज्य सरकार ए मामला रु खसी जिबे नि त एने आपनकर आशंका अछि ना नाही कारण क्लियर कट जांच कुआ जाउ कि किछि आशंका नाही हां कोंतु अज्ञा किछि आशंका नाही एति पई राज्य सरकार कहउछन्ती आमे ऑफिस टाको अमेंड कर दिछु ठीक अछि आपन ऑफिस टाको अमेंड कर दिछन हां किंतु आपन जो मंत्री पदटा देले तांको सहित से मंत्री पदटा आपन अमेंड करिनांती कि एमएलए को मंत्री पद दिया जाई परिबो जदि भी आपन अमेंड करिवे सपोज आपन मंत्री पदटा को आज अमेंड कर देले तो आर्टिकल 164(1)(a) अनुसारे दैट अमेंडमेंट विल बी वॉइड अब इनिशियो प्रथम रु जेटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हे जिवो कारण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे स्ट्रेंथ ता केबे 15% रु अधिका हेई परिबो नाही तो जदि राज्य सरकार से हिसाब रे किछि अमेंडमेंट आनिबा को चाहंती कि मंत्री पद दे परिवे तो मंत्री पद रे अमेंडमेंट सब अमेंडमेंट प्रथम रो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हबो आ मंत्री पद रो जे कोनोसी सुख सुविधा माने एनी ऑफिस एनी प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ दैट मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर रैंक एंड स्टेटस इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो राज्यपाल एक्शन लेबे 12 विधायकों के विरुद्ध रे जे आपनकर आशा अछि कने राज्यपाल एबे मध्य बॉल को निर्वाचन कमिशन को कोर्ट को फिंगी छेंती अज्ञा सेमिति वृंदावन नायक वर्सेस इलेक्शन कमिशन सुप्रीम कोर्ट कर पांच जणिया माने फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जजमेंट अनुसार अछि राज्यपाल या ऊपर कोनोसी निष्पत्ति नै परिबेनि अच्छा किंबा राज्यपाल कर कोनोसी से एथिरे नाही से कोनोसी पिटीशन आसीले से इलेक्शन कमिशन को पठेबे आ इलेक्शन कमिशन कर जहां ओपिनियन हबो से सेही ओपिनियन अनुसार ही डिसीजन नेबे जदि इलेक्शन कमिशन कहबे डिस्क्वालिफाइड ताले राज्यपाल डिस्क्वालिफाइड ओपिनियन देबे आ जदि इलेक्शन कमिशन कहबे नॉट डिस्क्वालिफाइड तो राज्यपाल नॉट डिस्क्वालिफाइड देबे किंतु राज्यपाल तांकर निजस्व डिसीजन किछि अच्छा नै पारिबे नै वृंदावन नायक को जजमेंट अनुसार सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत आगुरु स्पष्ट करि दैछन अच्छा तले निर्वाचन कमिशन को ऊपर में निर्भर करूछे प्रकृत रे 12 एमएलए को विरोध रे जहां को नारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रो मामला सामना को आसी तांको ऊपर कार्यनुष्ठान होउछे कि नै दिव्यज्योति महंत प्रतिनिधि अछन्ति तांकठो जानिबा दिव्य आ जानिबा को चाहूछे मामला सामना को आसीबा परे राज्य राजनीति रे चर्चा रा विषय होउछे खास करि शासक दल रो जो शासक दल शिविर रे वर्तमान या कोनी कोन चर्चा जे 12 विधायकों के विरोध रे कार्यनुष्ठान होई पारे ना विभिन्न आइन रो द्वाही दे विभिन्न व्यवस्था व्यवस्था को उपयोग करी एमाने खसी जाई परंतु प्रकृत रे शासक दल कैंप रे कोन चर्चा आउ राजधानी भुवनेश्वर रे जो कहा जाय जे जोंठर आलोचना करा जे राजनीति को ने सेठारे कोन चर्चा खबर
ଯେତେବେଳେ 2019 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା। କିଛି ନେତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ଦିଆଗଲା, କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଲବି କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବେ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଅଡୁଆ ଆଜି ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ସେହି ବାର୍ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଦାବିଦାର ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯାଇନି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସେଭଳି ପଦପଦବୀ ଦିଆଯାଇନି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବାର୍ ବିଧାୟକ କିଭଳି ସେହି ଅଡ଼ୁଆ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଇନର ରହିଛି କାଠଗଡ଼ା ସେଟାକୁ ସେ ଟାଣି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯେ ବାର୍ ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଖାସ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ପଦପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯାହାର ରହିଛି, ଯେ ହକ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଭଳି କିଛି ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାର ବିଧାୟକ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି କଥା ଧରିନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କଥା ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଦାସ କଥା ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ଖାସ୍ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇନର ବିରୋଧ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 191 କ କହୁଛି, କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲାଭଜନକ ପଦପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 191 କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ 2016ରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଆଇନଟି ଥିଲା 1961 ମସିହାର, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କଲେ, କିଛିଟା କ୍ଲଜ୍ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା WDC ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ପଦପଦବୀ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଯାହା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହୁରା କହୁଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳୁଛି, ସେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଆଇନକୁ ଦଳି ମକଚି ଦେଉଛନ୍ତି କି, ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେହୁରାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା, ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେବା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାମଲାରେ 12 ବିଧାୟକ ଛନ୍ଦି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଆଇନ ରହିଛି ସେହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଆମ ସହିତ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେହୁରା ଅଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ, ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଆମ ସହିତ, କ୍ଷମା କରିବେ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀମାନେ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ କାନୁନକୁ ଦଳି ମକଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ କାନୁନକୁ ଦଳି ମକଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତା ଆପାତତଃ ଏଇ ଆବେଦନ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ଅହମିକାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦଳି ମକଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ରହୁଛି ସେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ବା ଯାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁଟ୍ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଦଳୀୟ ମକଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଆଇଦର ପଦଦଳୀ ମାନେ ଅବଦମିତ କରିଦେବେ ବା ତାକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ବାଟ କରି ଚାଲିଯିବେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଦ ଦୋକାନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜପଥ କଟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଳାଶୁଣୀ ହଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜୟଦେବ ବିହାର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୟଦେବ ବିହାର CRP ପାଖରେ ସେ ବାମପଟରେ ଥିବା ସେଠି ହଉ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡଗିରି ହଉ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡା NH କଡ଼ରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସିଧା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ ଯେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକ ସହର ଭିତରେ ରହୁଛି, ତ
तेणुक जो गोटाक गोटे इलिगल काम को सीधा लिगालाइज कर दिगला तो बर्तमान जेहेतु राज्य सरकार जे जो आईन टी प्रणयन कर आईन प्रणयन तार सीधा तार मान स्पष्ट लिखाई ए आईन प्रणयन है 2016 आईन प्रणयन प्रिवियस आईन जो ला रही लॉज स्टैंड रिफिल्ड एक सीधा लिखी अर्थात से गुडाक तार रही दिस विल सुपरसीड द प्रीवियस लॉज जो अनपूर्व ल गुडाक अच्छे सुपरसीड कर एक लिखी तार जहाँ से आईन टाइम आखि पकड़ी सीधा सड़क लिखाई आपंकर जो मैंने रहीबे एमएलए इत्यादि निजुक्ति पाइबार व्यवस्था कर दिया जाए रही दे कैन अल्सो रिसीव कंपेनसेटरी अलाउंसेस माने रिसीव करि परिबे डेली अलाउंसेस रिसीव करि परिबे अर्थात जो आर्थिक लाभकता को आमे प्रश्न उठौछे एक कथा भी से माने नै परिबे राज्य सरकार आगुआ अनुमान करछन्ती जे जेउ भली भाबे से नियुक्ति देउछन्ती बेआइन भाबे आपने कोर्ट रे चैलेंज मध्ये होइ पारे तेनु आगुआ बाटो मध्ये प्रस्तुत करछन्ती सुनतो एक कथा केते दूर जेतबे इंटरप्रिटेशन हब ल एटा केते दूर स्टैंड करबो न करबो अलग कथा किंतु एटा माने ए जो प्रोविजंस को नेकरी राज्य सरकार कर जे रहिछन्ते लॉयर्स रहिछन्ते विशेष कर एडवोकेट जनरल जतबेले लडीबे माने से माने गोटे समय पाइबे माने जो गोटे अस्त्र पाइबे तो किल द टाइम समय ताको नबा पाइ गोटे माने सुजोग मिलिजबो एवं आ भितर 3 वर्ष पास करजबो सेमिति किछ असुविधा होबो नै किंतु गोटे कथा कहिबे किंतु गोटे कथा कहिबे जेतु ए जो विवादटा उठिछ भविष्यत रे एबले तु साहसिक पदक्षेप तले जो नबा चेष्टा करिवे ताहले सेतबलो 10 थरा चिंता करिवे ओके समरेंद्र बेउरांग पक्ष से रिएक्शन पे आसीबे सुक्त बेउरा साधारण लोकटे बुझेनी क्लॉज रो संशोधन होई कौन आक्ट अच्छी कौन आईन कानून अच्छी कौन व्यवस्था रही है कौन लाभ नहीं पारे साधारण लोकटे जानवाक चाहूँ जो प्रकृत में ए बार विधायकों भविष्य कौन जो सामना को आसूँ प्रशांत जगदेव शारदा नायक अनंत दास देवेश आचार्य व्योमकेश राय से अंचल लोक मैंने भितर प्रश्न जो प्रकृत में बार विधायकों पर कार्यानुष्ठान ना जेहेतु सरकार होउछि व्यवस्था आ व्यवस्था को उपयोग कर सरकार बार विधायकों को खसई देव ना तो देखते आज मूलतः ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आईन टा संविधान रे एथि पई अणा जायतिला से कोनोसी एग्जीक्यूटिव रे कंट्रोल केबे लेजिस्लेचर उपर को न आसु तो एमएलएस विधायक माने हले प्रथमे विधानसभा रे अंश तो तांकर काम हला विधानसभा रे सरकारनको कार्य को तदारक करिवा तो यदि सेई माने सरकारनको प्रलोभन रे आसी जिवे तो विधानसभा रे कामटा ठीक रे हेई परिवन एई कारण पई लाभजनक पदवी गुडा करू विधायक मान को वंचित करने संविधान रही सो दैट माने हिसाब से विधायक माने इंडिपेंडेंटली काम करें तो ये इंडिपेंडेंट माने साधारण लोक बुझा हिसाब से आदि रही राज्य सरकार बार जन कौन आणुचंती केमिति बंचे पार्टी देखो राज्य सरकार काम से माने तांको विधायक को निश्चय बंचेबे किंतु एडी राज्य सरकार को उपरे किछि नै कथा अछि इलेक्शन कमिशन को उपरे इलेक्शन कमिशन तांको ओपिनियन दे सरला परे पूर्णी एई टोटल परिस्थिति रे कोन आशा करूछन ताही कहि दियंतु क्लियर कट जे प्रकृत रे किछि कार्यानुष्ठान हेबो ना हेबो नै देखंतु मु तो प्रथम रु आशावादी थिली नले मु 2 वर्ष एई मामलाटा को एते माने एते दृढ़तार सहित आगु को नै नथांदी कारण 2 वर्ष तो पड़ेला ना श्रीयुक्त बेउरा निश्चय तो 3 वर्ष पर समान को कार्यकाल मध्ये शेष होई जीव जेबले अखेसा कहउतले जे एरा लंबा चले एवं जेते बेळ को मामलार राय आसे सेते बेळ को विधायकों को कार्यकाल शेष होई जायथे अगेन दिल्ली केस रे हेतिला विधायक मानंकु तांको पक्ष रखिबा पई दिया जाय नथिला सो मेरिट रे किछि जिंस डिस्कशन हेइ नथिला खाली से माने माने नेचुरल जस्टिस रे वायलेशन हेतिला बोली ही तांको पई मामलाटा आउटिक आगु पळेला जो मो ऑलरेडी माननीय राज्यपाल कहि दि कि विधायक मानंकु तांको पक्ष रखिबाकु दिया जाउ ओके बिफोर इलेक्शन कमिशन गिव्स एनी ओपिनियन द एमएलएस मस्ट बी अलाउड टू से सम माने इन देयर फेवर से माने तांको विषय रे कहिबा कथा कि से माने कोन तांकर पक्ष रखुचंदे सेटा सुनिला परे नवंबर 8 पूर्वुर ही सब डिसीजन देबे इलेक्शन कमिशन तबे नवंबर 8 पूर्वुर कोन डिसीजन आसुची कोन राय आसुची जो बार विधायक ऑफिस तो प्रॉफिट मामला रे छंदी होउचंती से मानक विरुद्ध रे गुडे दृष्टांतमूलक कार्यनुष्ठान न्याय जाउची ना से माने पूर्ण थरे व्यवस्था रो द्वाही दे व्यवस्था रो उपयोग करी खसी जाउचंती ता पर वर्तमान राज्यवासी को नजर बहुत बहुत धन्यवाद समरेंद्र बेउरा आवेदनकारी आम सहित सीधा सल आलोचन में सामिल होता आम सहित अक्षय साहू थे वरिष्ठ सांबादिक आम सहित आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती सामिल होते तो समय सरी अर्गस ग्राउंड जीरो को यही रखुचु नमस्कार।